ओम शांति सभी बोलो ओम शांति अच्छा आज सतगुरुवार तो है तो बाबा ने क्या बोला बाबा को प्रत्यक्ष करना हो तो प्रतिज्ञा कर लो प्रतिज्ञा करना माना बाबा ने <clears throat> इतना स्पष्ट और सार बताया है स्पष्ट समझाया है और सार करना क्या वो बताया है ऐसे है जब सार बुद्धि में आता है तो जो करना है सो अब कर ले प्रतिज्ञा भी क्या करे सार बुद्धि में आ गया समय और बाबा क्या चाहता है हमारे से समय कहता है हर घड़ी हर मिनट हर सेकंड है उसको सफल आ करो तो इसमें प्रतिज्ञा की बात ही नहीं है हा? सब जो बाबा ने समझ दी है समझ कहती है विवेक कहता है तो समय सफला कर पर चिंतन और पास्ट के चिंतन से फ्री कर दे समय सफला वो करेगा जो किसी के भी चिंतन में अपनी बुद्धि व्यस्त नहीं करेगा प्रेजेंट में सोचेंगे अब पर जो बात बीतती है वो भुला देंगे तो प्रेजेंट हमारा समय सफल हो गया हम उसी खेण से आई हूं सबसे मिलने के लिए सबका दिल होता है मिलने के लिए हमारी भी दिल होती है मिलने के लिए मिलकर के क्या करेंगे दिल की बात सुनाएंगे दिल्ला राम बाब के बच्चे हैं, लक्ष्मी नारायण के बच्चे होंगे नशा नहीं चोरेंगे इतना तो दिल्लाराम ने आई दिल ले लिया है तो निश्चय और नशा बड़ा अच्छा निश्चय मजबूत है नशा चरा हुआ है तो नशे में रहने में भी समय सफला होता है मुख्य बात है संकल्प और समय बाबा ने समझा दिया है संकल्प ऐसा करो जो तेरा तो भला तेरे कारण सर्व का भला हो हर संकल्प में भले शरीर के कारण हमें कहेंगे हॉस्पिटल थी है पर तो वो अभी ध्यान रहा है शरीर में ध्यान न जाए लेकिन हर संकल्प में मेरा तो भला बाबा अपने किया सबका भला हो तो संकल्प सफला होने से उस सफल संकल्प किसका होता है संकल्प सफला किसका होता है जो कभी व्यर्थ संकल्प नहीं करता है उसकी भावना ये है बाबा मेरे पास और कुछ है नहीं क्या आपको रिटर्न में दूं बाबा कहते कुछ नहीं चाहिए बच्चा तुम तो मेरे हो पर मैं तेरा होकर के रहूं ये सब देखे किसके है प्रत्यक्ष बाबा का किसके है क्यों हम बाबा के हैं तो बच गए है माया रावण के बड़े किचरा पट्टी से निकल आए है बाबा लिब्रेटर बन करके कैसे माया रावण से बचा लिया है अपना बना लिया है ये सारा बदूबन में बुलाना इतने बाबा ने इतना बड़ा भारी कहाँ हमारा हिस्ट्री हाल मधुबन का कहा उसके बाद बाबा के बाद मेट्रेशन हाल ओम शांति भवन पर ज्ञान सरोवर पर ये सारे शांति वन किसके लिए है? के लिए है बच्चों के लिए बच्चों के पढ़ाई के लिए है बच्चे पढ़े न से पढ़े पर, पर आराम से रहे तो हॉस्पिटल भी है तो हॉस्टल भी है होम भी है यूनिवर्सिटी भी है इतना बड़ा बाबा हमारे लिए कितना इतना एडवांस में इतना सोचा है जो कहते है, तुम सिर्फ और कुछ ना करो सब अपन जो भी तेरा पास्ट विकर्मों का है ना वो भी विनाश में कर दूंगा तुम याद कर दो तो मेरे को याद करो और किसको याद नहीं करो आज के मूल्य में क्या था अंत अंतमत्ते सोगत्ते कैसी होंगी ये ध्यान रखना है किसकी याद ना आए कर्मातीत अव्यस्था कैसे आएंगी हमारी जो किसकी याद ना है? ऑटोमेटिक बाबा की याद करना ना पड़े याद करना ना पड़े जिसकी याद है वो सदा नजरों में समाया हुआ दिल में समाया हुआ तो बाबा के नजरों में हम समाये हुए रहे ऐसी हमारी नजरे हुए जो नजरों में से किसी को ना देखे अभी हर एक अपना सच्चा चार देखे सारे दिन में इस नजरों से क्या क्या देखते हैं सच्चा सच्चा चार देखे ये आंखें तो खुली बंद तो नहीं कर सकते हैं पर खुली आंखें में देखते क्या है इसको देखा उसको देखा उसको देखा बाबा को तो देखा ही नहीं भले बाबा का फोटो हर जगह लगा पड़ा है पर बाबा को नहीं देखते हैं किचन में भी बाबा का फोटो है तो यहां भी बाबा का फोटो है सिटिंग में बाबा का फोटो है पर देख रहे हैं और बातों को जो बात देखते हैं वो याद आती है जो याद करती है वो देखते हैं तो प्लीज अपने ऊपर बाबा कहते तो रैम दिल बनो अपने ऊपर रैम करो और किसी को न देखो ये आंखें देखने के लिए है क्या देखने के लिए जैसे बाबा देखता है ना हम आत्माओं को मेरे बच्चे हैं वैसे हम देखते हैं ये आत्माएं है मेरे बाबा के बच्चे हैं मेरे बाबा के बच्चे हैं मेरा कोई नहीं है पर मेरे बाबा के बच्चे हैं अंदर से ऐसी समझ जो बाबा ने दी है वो अगर हमारी स्मृति में रहे तो आप कौन होंगे कहेंगे बाबा कल शुक्रवार है बाबा शुक्रवार आ रहा है शुक्रिया बाबा आपका आप सतगुरुवार है विस्पत की दशा बैठी आ, जो कुछ पुरानी बातें हैं ना वो सब समाप्त आज जब ये समापत एकदम एक निशानी भी न रहे ताकि बाबा की नजर दृष्टि से बाबा को सामने देखते हम देखें बाबा जैसे हमें देख रहा है दृष्टि से देख रहा है हम दृष्टि से बाबा का प्यार ले रहे हैं प्यार में शक्ति भी ले रहे हैं दुआएं भी ले रहे हैं शक्ति ऐसी ही चला रही है जैसे आत्मा में परमात्मा अपनी शक्ति भर करके कहते है बच्चा संगम का समय है ना तुम वो सत्यों में आना है ना उसके पहले वान परस्तविता में रहना है तो वाणी से परे जाना है ये वाणी में भले आओ थोड़ा जो बाबा ने ब्रह्मा मुख से सुनाया है ना वो वाणी मुख पर भले आवे बाकी और कोई वाणी में आने की जरूरत नहीं है मनसा ऐसी रखो जो मनसा संकल्प में बाबा की याद रहे और आत्माओं को बाबा की याद दिलाने के लिए जीना है तो ऐसे ही जीना है अंत सोई गति ये रहे मैं बाबा आपकी हूं तो बाबा जानता है सुन दुनिया जानती है बाबा की है दुनिया जानती है ना बाबा की है हाँ कौन नहीं जानता है बाबा की है सब जानते बाबा की है पर बाबा की हो करके सदा सुखी रही है सदा सुखी सुखी तो क्या अति सुख में रहने की आदत ही है बाबा कहते हैं तीन जैसा करके के झूले में झूलो तुम मेरे बच्चे हो ना तो सुखी रहने की शांत रहने की बाबा ने जो शक्ति दी है शक्ति दी है सुख और शांति संपन्न बनने की कहते हैं बच्चे संकल्प वो करो जो तुम्हारे संकल्प में तेरा तो भला तेरे कारण सर्व का भला ऐसी भावना से हमने कहा पाँच दस मिनट सबसे मिलूं आ, कैसे भी करके हमारी दादी बॉम्बे में और हमको बाबा ने यहाँ लाया ये भी ड्रामा में जो सीन सामने आ रही है तो हमको अंदर से यही भावना है जो बाबा ने दिया है ना वही हमारी जीवन में हो वही वातावरण में हो और सबके वायुमंडल में इतनी पावरफुल बाबा की यादों का वायुमंडल ऐसा हो जो हर एक समझे बाबा जो बीती बातें पुरानी हो गई अब सच्चू की बातें जब तक आए तब तक फिस्ता बनने की जीवन हमारी आ गई आ? तो फिस्ता बनने की जीवन में जितना बाबा कहते लाइट रहो साइलेंस में रहो लाइट रहेंगे बाबा से माइट खींचेंगे लाइट हाउस का काम करेंगे अच्छा ओम शांति